दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लोन देने वाली, उससे पैसा कमाने वाली कंपनी इरेडा का आईपीओ आ रहा है। लेकिन इस धंधे से जुड़े हुए कुछ खतरे भी हैं जो हमें मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, ब्याज दरें किसी भी एनबीएफसी के बिजनेस मॉडल का आधार होती हैं। अभी जो है, ब्याज दरें ऊपर चढ़ी हुई हैं, भविष्य में ब्याज दरें गिरेंगी तो एनबीएफसी को जो बैंकों से लोन मिलता है उस पर जो ब्याज देना होगा वो कम रहेगा, तो इनको जो पैसा मिल रहा है बैंकों से उसकी कॉस्ट हो जाएगी कम। लेकिन इन्होंने जो लोन बांटा हुआ है ऊंची ब्याज दर पर, उस पर तो पैसा बढ़ी हुई ब्याज दरों पर मिलता रहेगा। तो जैसा कि हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ब्याज दरें अगर भविष्य में घटती हैं तो इरेडा जैसी जो एनबीएफसीज हैं उनका खर्चा कम होता चला जाएगा और आमदनी प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि जो एनबीएफसीज हैं जैसे कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आरईसी, उनके शेयर्स आसमान पर चढ़े हुए हैं। और दोस्तों, यही मूलभूत कारण है कि बिल्कुल मौके पर मोदी साहब इस कंपनी का आईपीओ लेकर आए हैं, क्योंकि इस समय उन्हें सबसे बेहतरीन दाम मिलेगा। तो घटती हुई ब्याज दरें तो इस तरह की कंपनी को लाभ पहुंचाएंगी, लेकिन वो लाभ भाव में आ चुका है। साथ में दोस्तों, कुछ समय पहले इनकी क्रेडिट रेटिंग काटी गई थी, भविष्य में भी काटी जा सकती है, इस बात का खतरा तो हमेशा रहेगा। लेकिन इरेडा के मैनेजमेंट का कहना है कि हम मार्केट से जितना कर्जा ले सकते हैं उससे हम कम ही लेंगे, हम अपना जो बैड लोन्स है उसको नहीं बढ़ने देंगे, हम अपनी क्रेडिट रेटिंग को स्टेबल बनाए रखने का प्रयास करेंगे। और ये कंपनी सही रास्ते पर है वो हमें इस बात से पता पड़ता है कि इस कंपनी को कंसल्टिंग दे रहा है बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। कम से कम सही सलाह सही समय पर तो देता रहेगा इरेडा को। तीसरी बड़ी रिस्क इस बिजनेस के साथ यह है कि इनका जो कैश फ्लो है कभी कभी वो नेगेटिव हो जाता है, ऐसा आता कम है और चला ज्यादा जाता है। तो ये जो कैश फ्लो प्रॉब्लम है ये भी कुछ सालों पहले आई थी, भविष्य में भी आ सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो क्रेडिट रेटिंग और कैश फ्लो की समस्या कायदे से हर धंधे में आ सकती है, कोई इस कंपनी से जुड़ी हुई स्पेशल समस्याएं नहीं है। भले ही आईपीओ में आपको थोड़ा बहुत अप्लाई करना है तो वो बात अलग है, लेकिन इस कंपनी को लेकर अगर भविष्य का आपने व्यू बनाना है तो इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाने दीजिए और फिर आप आराम से चार्ट पर महालक्ष्मी जी के आदेश अनुसार निर्णय ले सकते हैं। और दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से बताएं, हम भी यही करने जा रहे हैं, ठीक जैसे आईआरएफसी मजगांव डॉक्स में हुआ। ये कंपनी भी काफी समय तक नीचे दाम पर रहेगी, मतलब इसमें एक्यूमुलेशन का मौका मिल सकता है, इस बात की संभावना बेहद प्रबल है एलआईसी की तरह। अब दोस्तों, स्वाभाविक है, कच्चे तेल के दाम गिरते हैं अथवा चढ़ते हैं, दोनों तरफ प्रॉफिट होता है। वो कमाने के लिए आपको सीखना होगी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगले 44 दिनों के बाद 1 जनवरी 2024 से हमारे तीनों आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स की फीस डबल डबल होने जा रही है। इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा।